दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नागर गैंग के शार्प शूटर आशीष को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सुंदर भाटी पर हमले और मयूर चौहान की हत्या के मामले में ये वांछित था और बीते एक साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मीनगर और शकरपुर थाने में हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए दिल्ली में एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी कर रहा था, जहां से पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नागर गैंग के शार्प शूटर आशीष को गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर आशीष गिरफ्तार हो चुका है, जो कि सुंदर भाटी पर हमले में शामिल रहा है, मयूर चौहान की हत्या के मामले में भी शामिल रहा है, फरार चल रहा था। और देखिए, पुलिस से छिपने के लिए उसने पुलिस को चकमा देते हुए दिल्ली में ही एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी पकड़ ली। मेरे सहयोगी राजकुमार भाटी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है और एक संदेश देने वाली बात भी कि जब भी आप किसी नौकरी पर रखें किसी को तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लें। सुरक्षा गार्ड की नौकरी वो व्यक्ति कर रहा था और बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक शार्प शूटर था। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली पुलिस से या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से एक वेरिफिकेशन होता है जब भी आप किसी को नौकरी पर रखते हैं, मगर नागर गैंग का आशीष जो है ये तो छेनू गैंग और सुंदर भाटी के ऊपर हमले का दोषी है। मयूर चौहान की हत्या के मामला इस पर चल रहा है और उसके बावजूद दिल्ली नगर निगम के एक गार्डन में ये नौकरी कर रहा था गार्ड की। तो सुरक्षा में अपराधी, मतलब कहें तो अपराधी जो है वो सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी निभा रहा है, तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खोला है। और सिर्फ अपराधी नहीं, शार्प शूटर, इस शार्प शूटर को देख सकते हैं आप जिस तरह से इसके ऊपर मामले दर्ज हैं, ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली के अंदर। और सक्रिय जो हरिंदर मलिक जो कि हवलदार है, उनको इस सूचना का इनपुट मिला था और उसके बाद इसको भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग से गिरफ्तार किया गया है। आशीष के अलावा तीन अन्य लोगों की अभी भी तलाश है और उनके लिए भी क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो अलग अलग रेड कर रही हैं। जी राजकुमार, ये जहां पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था उस जगह के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक शार्प शूटर अगर कहीं पर एक अपराधी, हत्या करने वाला अपराधी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है तो वो लोग कितने सुरक्षित होंगे उन्हें भी तो पता लगे। जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली नगर निगम का यहाँ सरकार का एक पार्क है भारत दर्शन पार्क, उस पार्क के अंदर ये सुरक्षा गार्ड के लिए ये तैनात था सुरक्षा में। मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भी कंपनी ने इसको सुरक्षा गार्ड की नौकरी दी है, क्या उस कंपनी ने इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, क्या इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस भी कंपनी ने इसको रखा है, चाहे सरकार ने रखा है या किसी अन्य एजेंसी ने इसको रखा है, और वो भी सुरक्षा गार्ड के लिए, और शार्प शूटर क्योंकि जो हत्या के मामले को अंजाम दे सकता है, जो सुंदर भाटी जैसे व्यक्ति पर जो कि अपने आप में गैंगस्टर है उनके ऊपर गोली चला सकता है, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो बात है वो यही है। मगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको सुलझा तो लिया है, मगर सोचने वाला विषय यही है कि क्या इस तरह के मामलों में कोताही बरतना कितना जायज है। राजकुमार, ये किस गैंग के साथ जुड़ा हुआ था? नागर गैंग का जिक्र किया जा रहा है, नागर गैंग के बारे में अगर आप कुछ बताएं किस किस तरह के बड़े अपराधों में ये गैंग शामिल रही है इससे पहले? एक्चुअली क्या कि पूरा मामला जो सुंदर भाटी के ऊपर जो हमला किया गया था वहां से जुड़ता है, मगर सुंदर भाटी से मामले में बच गया था, उसके बाद इसने आशीष और अन्य लोगों ने जो एक गैंग बनाया, और क्योंकि उस पूरे मामले में जो इन्होंने मयूर चौहान की बेरहमी से हत्या की थी उसमें प्रतिबंधित छेनू गैंग का सदस्य था, वो सबसे बड़ी संलिप्तता इस मामले में थी, जिसके बाद ही यह फरार था। और अन्य लोग जो इसके साथी हैं, चाहे वो नवीन खटाना हो, चाहे खचड़ू जाट हो या गौरव राजपूत हो, वो अभी भी फरार है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में, क्योंकि नागर गैंग जो है ये अपने आप में प्रतिस्पर्धा का जो गैंग, तो राजकुमार जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिनका आप कह रहे हैं कि ये अभी भी फरार हैं, तो लगता है कि अब अगर आशीष से पूछताछ होती है, पुलिस रिमांड पर इसे लिया जाता है, तो डेफिनेटली उनकी भी पहचान हो जाएगी और उन तक भी पुलिस पहुंचने में जल्द कामयाब जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।